राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक का माहौल हो रहा है। इसी बीच बीएसपी से कांग्रेस में जो विधायक आए थे, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी का विलय करवा दिया था कांग्रेस में, इस आस में कि कहीं ना कहीं कि उनको भी पद मिलेंगे जैसा पिछली बार भी हुआ था। हमारे साथ संदीप यादव जी हैं, आज बीएसपी के जो सभी विधायक हैं वो जयपुर में बैठक भी करेंगे। संदीप जी, एक बहुत बड़ी, एक बार फिर से वही राजनीतिक संकट की स्थिति में आ चुके हैं, वही पिछला जून जुलाई की स्थिति, अब फिर जो ही जून जुलाई की स्थिति। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मामला चल रहा है, सब कुछ वैसे नॉर्मल है। जैसा अब मीडिया और बाकी चीज़ों के माध्यम से जैसे बात चल रही है, तो मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के लोग ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, और ऐसा मुझे लगता नहीं सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आदरणीय अशोक गहलोत जी में सभी विधायकों की आस्था है, सब लोगों के काम हो रहे हैं, क्षेत्र में विकास हो रहे हैं, और हम जिस उद्देश्य से गहलोत जी के साथ जुड़े थे, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े थे, हमारा उद्देश्य था क्षेत्र में विकास होना, प्रदेश का विकास हो, सरकार स्थिर रहे, पब्लिक ने बहुमत दिया है तो सरकार पूरे 5 साल चले और राजस्थान में विकास हो, राजस्थान की जनता के काम हो, इस उद्देश्य को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े थे। और हम आज भी पूरे 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार हम लोग लगे रहेंगे, चाहे कोई किसी तरह के कयास लगाए, इस तरह का कोई मामला नहीं है। और ये इसमें ज़्यादा विपक्ष के लोगों की ज़्यादा भूमिका है जो इस तरह की अफवाह उड़ाकर सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट रीशफल की बात आप लोग भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द रीशफल होना चाहिए, ये तो प्रक्रिया है, लगातार सभी सरकारों में ऐसा होता है, और बहुत सारी जगह पर, हर पार्टी में हर जगह पर राजी नाराजगी भी रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग मिलजुल कर, कोई ऐसा मामला भी है तो केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है, वो सब लोग मिलजुल कर सुलझा लेंगे और जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आपको क्या लगता है होना चाहिए जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार? तो अब काफ़ी जगह पर मंत्री नहीं है काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि उसमें काम थोड़ा सफल होता है, फिर भी मुख्यमंत्री जी कमान संभाले हुए हैं और सब जगह ठीक काम हो रहा है। वैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उससे और ज़्यादा फायदा मिलेगा जनता को। सर, बीएसपी के आप तमाम विधायक आए, पिछली बार भी आपने देखा सभी विधायक जो हैं उनको कुछ ना कुछ पद मिले थे, आप लोगों को उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री की झोली से आपके लिए काफ़ी कुछ निकलेगा? देखिए, हम प्रदेश के विकास के लिए ही सरकार में शामिल हुए थे, राजस्थान की जनता ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान की जनता ने बहुमत दिया है, और राजस्थान की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पार्टी में और सरकार में शामिल हुए थे। तो मेरा मानना यह है कि काम राजस्थान में हो रहे हैं, प्रदेश में विकास हो रहा है, बाकी जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा वो स्वयं जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आप लोगों की तो इच्छा है, जो स्वयं जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे। अच्छा, राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हुई है अभी तक? अब सारा काम ही चल रहा है, आप लगातार बात कर ही रहे हैं, ये काम केंद्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश नेतृत्व का है, वो लोग मिल बैठ कर इसमें काम में लगे भी हैं, जैसे ही परिस्थितियाँ बनेगी वो लोग जरूर जल्दी नियुक्तियाँ और सब काम जल्दी होंगे। आप लोगों की आज मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, क्या मुख्यमंत्री से आपका मिलने का प्लान है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मेरे क्षेत्र के और बाकी विषयों में नॉर्मल चर्चा हुई है, तो आज मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जन्मदिन है तो उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही कोरोना के समय के हुए कामों के बारे में जानकारी ली और बाकी क्षेत्र में विकास के कार्यों के बारे में ही उन्होंने पूछा था, उन्हीं के बारे में मेरी चर्चा हुई है। सर, एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है, पायलट साहब फिर नाराज बताए जा रहे हैं कि सचिन पायलट नाराज हैं, क्या आपको लगता है इससे नुकसान हो रहा है पार्टी को और ये चीज़ें जल्द से जल्द सुधार लेनी चाहिए? देखिए, हम तो बहुत बाद में शामिल हुए हैं, ये सब चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है और ये बड़े स्तर का मामला है, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए। हमारे शामिल होने से तो हमने सरकार को समर्थन करके पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, राजस्थान की सरकार को स्टेब्लिश किया है, तो इसमें हमारे पे अगर कोई इस तरह की बातें या इस तरह के कोई आरोप लगाते, हमने पार्टी को दिया है, हमने अभी तक कुछ लिया नहीं है, तो मेरा मानना तो ये है कि हमारा शायद इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, ना ही हमारा नाम आना चाहिए। ये सब चीज़ें जो पहले से चल रही है उसके लिए केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व लगातार लग रहा है, वो लोग बैठकर शायद इसको जल्द सुलझा लेंगे। नहीं, इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि आपके आने के बाद ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है, पायलट जब गए थे वो समय वो था जब आप लोगों को ज्वाइन किए हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा किसी से कोई किसी तरह का मामला नहीं है, मैंने आपको बताया कि हमने सरकार को इस्टेब्लिश करने का काम किया है ताकि प्रदेश में विकास के काम हो सके।
ये थे संदीप यादव जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार जल्द से जल्द होना चाहिए प्रदेश में, क्योंकि समय निकल चुका है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी से कांग्रेस का दामन इन्होंने इसलिए थामा था क्योंकि कांग्रेस में जो सरकार है वो पूरी तरीके से स्थायी हो और जिस तरीके से विकास के काम इनके क्षेत्र में होने थे वो हो। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।